जंग के मैदान में एक राजपूत योद्धा कुछ भूलकर आ रहा था। पता है वो क्या भूला होगा? तलवार, घोड़ा, कवच, ढाल, अगर आप भी इन्हीं में से किसी एक चीज का सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। दरअसल वो अपना सर भूलकर आ रहा था, वही सर जिसके ललाट पर युद्ध में जाने से पहले तिलक लगाया गया था। वो राजपूत योद्धा तकरीबन 100 किलोमीटर तक बिना सर के ही लड़ता रहा और जब उसका धड़ उसकी अर्धांगनी के समक्ष आया तो बड़े भोलेपन से उस शत्राणी ने कहा कि नाथ, आप कितने भोले हो, अपना सर ही भूल आए। और ठीक कुछ समय बाद एक चिता पर धड़ को गोद में लिए, एक देवीय शक्ति सी आभा लिए एक शत्राणी धीर गंभीर होकर अग्नि स्नान कर रही थी। पूरे विश्व के इतिहास में कहीं भी आपको ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे कि सर कटने के बाद भी किसी का धड़ लड़ता रहा हो, वो भी 1-2 किलोमीटर नहीं बल्कि 100-100 किलोमीटर तक। वो उदाहरण आपको राजपुताना में देखने को मिलेंगे।